नमस्कार, मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अभी शाम का जो 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है, इसके अनुसार बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई भागों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में होने की संभावनाएँ हैं। वहीं अरावली रेंज, पाली, अजमेर और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान भी मूसलाधार व मध्यम से लगाकर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा अरावली पहाड़ों में होने की संभावना है। आज भी पाली जिले के अरावली रेंज के क्षेत्र, राजसमंद, अजमेर और उदयपुर के मिले जुले भागों में सिरों से लगाकर कई जगहों पर भारी वर्षा हुई और विशेषकर अरावली पहाड़ों में आज भारी वर्षा देखने को मिली। पाली के उत्तर मध्य से दक्षिण की ओर, जिससे सुमेरपुर से लगाकर बाली के आसपास के लगाकर देसूरी, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में लगभग सभी नदियाँ आज उफान पर रही। वहीं फुलाद बांध से निकलने वाली सूकड़ी नदी में 2012 के बाद में अब 2024 में आज भारी उफान देखने को मिला। यानी 2012 के बाद भी नदियां कई बार वही है, या कहे ये बांध कई बार ओवरफ्लो हुआ फुलाद, और ये नदी 2013, 14, 15, 16, 17 और 18 में ये बारिश ऐसी हुई थी जिसमें बांध नहीं भरा था। तो यानी 17 तक लगातार बांध भरे, 15, 16, 17 के दौरान कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पाली सहित बनी थी, लेकिन इतना उफान इस नदी में देखने को एक साथ नहीं मिला था जितना 2012 में देखने को मिला था। तो वहीं 2012 के बाद अब 12 साल बाद बड़ा उफान देखने को मिल रहा है इस नदी में, और आने वाले बचे हुए एक महीने के दौरान भी बार बार इसमें इसी प्रकार के उफान आने की संभावना है। वहीं यहाँ पर देसूरी से लगाकर मारवाड़ जंक्शन की अन्य नदियाँ, आउआ, देवली की, इन सभी नदियों में उफान है। देवली नदी में उफान चल रहा है, जो हेमावास बांध में पानी जाता है, तो हेमावास बांध के भी अगले 24 से या कहे अगले 3-4 दिनों में ओवरफ्लो होने की संभावना है। वहीं सरदार संबंध के भी जल्द ही ओवरफ्लो होने की संभावना है। सिरियारी बांध अगले 4-5 दिनों में जल्द ही ओवरफ्लो होगा। इधर पिचाग, जसवंत सागर बांध के भी इस सीज़न के दौरान ओवरफ्लो होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वहीं मीठड़ी बांध बाली के क्षेत्रों में जल्द ही ओवरफ्लो होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में देखें तो यहाँ पर जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है मध्यम ऊँचाई पर, ये मध्यम से लगाकर कुछ जो ऊँचाई वाले भाग हैं, या कह सकते हैं ऊपरी हवाओं के चक्रवर्ती हवाओं के क्षेत्र के रूप में प्रभावी हो रहा है, और ये इस समय टोंक पर मौजूद है, जो राजस्थान के दक्षिण दक्षिण पश्चिम के करीब से होते हुए, पाली से होते हुए अजमेर अरावली को पार करते हुए इस समय टोंक पर बना हुआ है, और 2-3 दिनों के दौरान ये टोंक पर बना रहेगा, जिससे उदयपुर संभाग, कोटा, भरतपुर संभाग, जयपुर सीकर और अजमेर पाली संभाग के अरावली रेंज के जो इलाके हैं, अरावली रेंज के जो पश्चिमी ढलान के इलाके हैं मैदानी, वहाँ से लगाकर भारी वर्षा की गतिविधियाँ अगले 2-3 दिनों के दौरान अलग अलग भागों में होती रहेगी, और मूसलाधार वर्षा होने से नदी नालों में उफान बना रहेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक LP बना है, जो जल्द ही आगे प्रभावी होते हुए डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने, और साथ ही आगे यह डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की भी संभावना रहेगी, और इसके आने वाले दिनों में कोटा, भरतपुर संभाग से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावनाएँ अधिक बन रही हैं, जिससे एक बार पुनः दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह के मिले जुले समय में राजस्थान के कोटा, भरतपुर, सीकर, जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली, जोधपुर, अजमेर संभाग में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी, और फिर से उन दिनों में भी भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा, तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी देखने को मिलने की संभावनाएँ हैं। यानी बनने वाला सिस्टम जल्द ही धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने लगेगा, और लगभग 10-11 के आसपास इस सिस्टम की बारिश की गतिविधियाँ पुनः कोटा संभाग, उदयपुर और अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में फिर से बढ़ने लगेगी, और धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियों का दौर तीव्रता में आएगा। लगभग 14 तारीख के आसपास जाकर जब सिस्टम राजस्थान के करीब पहुँच जाएगा, 13-14 के आसपास, 13-14 से लगाकर लगभग 18 तारीख के मध्य राजस्थान में कई जगहों पर मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियाँ होगी। लेकिन फिलहाल वर्तमान में देखें तो लाल कलर का जो क्षेत्र है राजस्थान का, आप देख सकते हैं, जिसमें पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा वाला कलर इसमें देख सकते हैं। उसके बाद इससे कुछ गहरा नीला कलर, जहाँ मध्यम तेज कहीं मूसलाधार मध्यम खंड वर्षा कुछ एक क्षेत्रों में, जबकि जो गहरा कलर है जो काले कलर के रूप में है, और उसके पास में जो गहरा नीला कलर है, वहाँ पर मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियाँ कई भागों में देखने को मिलेगी, और काले कलर के दायरे में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। इसके अलावा बीकानेर संभाग, सीकर संभाग, अजमेर संभाग और इससे सटे हुए पाली, जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में रहेगी। इधर जसवंतपुरा, मालवाड़ा से लगाकर रानीवाड़ा, जालौर, आहोर, तगतगढ़ क्षेत्र हैं, जो माउंट आबू, सिरोही, रेवदर, पिंडवाड़ा,
गोकुंदा, सायरा बेल्ट, उदयपुर, इन क्षेत्रों में दक्षिण पाली से लगाकर अगले 72 घंटों के मध्य मध्यम तेज खंडवर्षा, तो कहीं कहीं मूसलाधार, तो कहीं कहीं अरावली पहाड़ों सहित माउंट आबू के क्षेत्रों में जवई बांध कैचमेंट एरिया सहित भारी वर्षा होने की संभावना है, जिससे नदी नालों में जल आवक बनी रहेगी और आने वाले दिनों में भी, यानी दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर तीसरे सप्ताह की शुरुआत में भी राजस्थान के अरावली रेंज के क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो कई बांधों के आने वाले दिनों में गेट खुलने की भी संभावनाएं बनी हुई है, जिसमें कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्र शामिल रहेंगे। वहीं जवई बांध में आने वाले दिनों में जैसा कि अनुमान था कि पहले पखवाड़े के दौरान और विशेषकर 10 सितंबर तक के दौरान जल आवक बढ़ते हुए ये काफ़ी भारी मात्रा में जल आवक होगी और लगभग 50 फीट तक जाने की संभावनाएं बनी हुई है पहले पखवाड़े के दौरान। फिलहाल अब जो है ये जल्द ही रात्रि के दौरान 39 फीट तक पहुंच जाएगा और आने वाले बचे हुए दिनों में ये 45-40 फीट के बीच में बना रहेगा और उसके बाद जैसे जैसे पहले पखवाड़े के दिन बीतेंगे वैसे वैसे बांध का गेज 50 फीट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा सितंबर के पहले पखवाड़े के दौरान। ज़्यादा उम्मीद है कि जवई बांध 50 फीट तक को टच कर जाए आने वाले दिनों के मौसमी विश्लेषण के अनुसार। अगले 24 घंटों में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भारी वर्षा की संभावना है। इधर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से लगाकर अलवर के मिले जुले क्षेत्र हैं और केकड़ी और शाहपुरा, भिलवाड़ा, अरावली रेंज, पाली, ब्यावर, अजमेर के मिले जुले भाग, सिरोही के भागों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी खंड वर्षा की संभावना रहेगी, लेकिन विशेषकर तो और अरावली रेंज से लगाकर टोंक और उसके आसपास के कई भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी अलग अलग भागों में। वहीं यहाँ पर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी और देचुबेल से लगाकर ओशिया, लोहावट बेल्ट, इधर कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर जायल, परबसर और यहाँ पर देखें तो लाडनू के आसपास से लगाकर इधर नागौर, किंवसर, भोपालगढ़, सोयला बेल्ट और ओशिया, लोहावट से लगाकर देणोक, पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर और सिव तहसील के क्षेत्र हैं। इधर अनार बेल्ट में भी बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं कहीं भारी खंड वर्षा, तो कई जगहों पर बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क भी बने रहने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ, बीकानेर बेल्ट सहित अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। ट्रफ की स्थिति इस समय उत्तरी राजस्थान से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से क्षेत्रों से लगाकर, यानी जयपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए ये उत्तर पूर्वी राजस्थान और उससे सटे हुए दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगाकर बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक जा रही है, जहां एक LPF बना हुआ है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।